हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मरीन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से होम लोन कैसे लें और इससे जुड़ी सारी जानकारी मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक होम लोन के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। अगर आप स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के होम लोन का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की इंटरेस्ट रेट 8.4% एनुअली से शुरू होती है। इस बैंक से आप 35 करोड़ रुपए तक का होम लोन आप ले सकते हैं। ये होम लोन आप 25 साल के लोन पीरियड के लिए आप ले सकते हैं। दोस्तों, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक होम लोन भारत में बेस्ट होम लोन्स में से एक है। अगर आप घर बनाने के लिए या घर खरीदने की सोच रहे हैं और आपके पास पैसों की कमी है तो आप स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक होम लोन के साथ आप जुड़ सकते हैं। दोस्तों, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक कई प्रकार की होम लोन प्लान्स कस्टमर्स को प्रोवाइड करता है। दोस्तों, यहाँ पर इस लोन की खास बात यह है कि यहाँ पर आपको फ्लेक्सिबल रीपेमेंट पीरियड और जीरो प्रीपेमेंट चार्जेस का आपको बेनिफिट मिलता है। दोस्तों, आप बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक होम लोन कैलकुलेटर की मदद से अपने लोन की ईएमआई की कैलकुलेशन कर सकते हैं। दोस्तों, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक होम लोन की ब्याज दर 8.4% एनुअली से शुरू होती है। अगर आप बैंक के मौजूदा कस्टमर हैं और आपका सिबिल स्कोर और इनकम अधिक है तो आप बैंक की अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट का बेनिफिट ले सकते हैं। दोस्तों, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक मेनली दो प्रकार के होम लोन्स कस्टमर्स को प्रोवाइड करता है। पहला है स्टैंडर्ड चार्टर्ड होम लोन और दूसरा है स्टैंडर्ड चार्टर्ड होम सेवर लोन। दोस्तों, बात करें स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक होम लोन के फीचर्स की तो पहले हम स्टैंडर्ड चार्टर्ड होम लोन के फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, इस होम लोन पर आपको कैशबैक सर्विसेज का बेनिफिट दिया जाता है और अपने प्रीपेमेंट ट्रैक के आधार पर आप 2% तक का कैशबैक प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इस होम लोन में आपको होम सेवर का बेनिफिट दिया जाता है। ये सर्विसेज आपको कम इंटरेस्ट रेट के साथ अपने होम लोन का तेज़ी से पेमेंट का ऑप्शन देता है। दोस्तों, बैंक के द्वारा होम लोन पर इंश्योरेंस का भी बेनिफिट यहाँ पर दिया जाता है। दोस्तों, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक होम लोन से जुड़ी हुई किसी भी जानकारी के लिए आप यहां पर 24 घंटे फ़ोन बैंकिंग हेल्पलाइन नंबर की मदद से या फिर बैंक की नज़दीकी ब्रांच में जाकर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, यहां पर अपने मौजूदा होम लोन को ट्रांसफ़र करने की सुविधा आपको दी जाती है। दोस्तों, ईजी बैलेंस ट्रांसफ़र सॉल्यूशन के साथ आप अपनी ईएमआई को और आसान बना सकते हैं। दोस्तों, आपको यहाँ पर होम लोन पर टॉपअप लोन की सुविधा आपको दी जाती है। दोस्तों, इस सुविधा के तहत आप प्रॉपर्टी के खरीद के 6 महीने के भीतर आप रिफिनांस का बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, स्टैंडर्ड चार्टर्ड होम लोन के तहत आप इनकम टैक्स की एक्ट 1961 की धारा 24B और 80C के तहत आप टैक्स में छूट के लिए एलिजिबल होते हैं। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को स्टैंडर्ड चार्टर्ड होम सेवर लोन के फीचर्स के बारे में बता देता हूँ। दोस्तों, इस होम लोन के तहत इंटरेस्ट ऑफसेट के कैलकुलेशन डेली बैलेंस अमाउंट पर की जाती है, यानी कि आपको यहाँ पर फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट लगाया जाएगा। दोस्तों, अपने मौजूदा होम लोन को ट्रांसफ़र करने की भी सुविधा आपको यहाँ पर दी जाती है। दोस्तों, टॉप अप सर्विसेज के साथ आप कम इंटरेस्ट रेट पर आप इजी बैलेंस ट्रांसफ़र सॉल्यूशन के साथ अपनी ईएमआई को और आसान बना सकते हैं। दोस्तों, बैंक की डोर स्टेप सर्विसेज के साथ आप होम लोन तेज़ी से यहां पर प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, स्टैंडर्ड चार्टर्ड होम सेवर लोन में आप इस लोन के तहत इनकम टैक्स की एक्ट 1961 की धारा 24B और 80C के अनुसार आप यहां पर टैक्स में छूट के लिए एलिजिबल होते हैं। दोस्तों, अपनी ज़रूरत के अनुसार आप कभी भी अपने पैसे आप जमा कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। दोस्तों, होम सेवर स्टेटमेंट गाइड की भी सर्विसेज आपको स्टैंडर्ड चार्टर्ड होम सेवर लोन में आपको दी जाती है, जिनके साथ आप लोन से जुड़ी हुई सारी बातें आप समझ सकते हैं। दोस्तों, होम लोन के साथ आपको यहां पर इंश्योरेंस का भी बेनिफिट दिया जाता है। दोस्तों, यहां पर आप 24 घंटे आप बैंक की बैंकिंग हेल्पलाइन नंबर या फिर नज़दीकी बैंक की ब्रांच में जाकर आप यहां पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपने समस्याओं का समाधान आप पा सकते हैं। दोस्तों, बात करें स्टैंडर्ड चार्टर्ड होम लोन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, यानी कि पात्रताओं की, तो दोस्तों सैलरीड पर्सन और सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन के लिए जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से होम लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इनकी मिनिमम एज 23 साल होनी चाहिए। दोस्तों, सैलरीड पर्सन के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 60 साल है और सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 70 साल है। दोस्तों, बात करें स्टैंडर्ड चार्टर्ड होम लोन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को तय करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं, तो
तो दोस्तों आपकी उम्र, आपकी इनकम, आपकी एक्सपेंडिचर पैटर्न, आपकी रोजगार की स्थिति, आपकी ट्रस्टवर्दीनेस यानी कि आप अपने लोन को चुकाते हैं या नहीं चुकाते हैं या कितने समय बाद चुकाते हैं, ये सारी बातें आती हैं। आपकी प्रॉपर्टी किस टाइप की है और आपकी लोन की स्टेटस, ये सारी बातें आपको आपके होम लोन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को तय करती हैं। दोस्तों बात करें स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक होम लोन के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की, तो दोस्तों अगर आप एक सैलरीड पर्सन हैं या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हैं तो इसके लिए आपकी फ़ोटो आईडी प्रूफ की ज़रूरत होगी, आपकी एड्रेस प्रूफ की ज़रूरत होगी और आपकी एज प्रूफ की ज़रूरत होगी। दोस्तों इसके अलावा आपके फिनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो दोस्तों अगर आप एक सैलरीड पर्सन हैं यानी कि तनख्वाह पाने वाले व्यक्ति हैं तो इसके लिए आपकी लास्ट 2 महीने की सैलरी स्लिप की ज़रूरत होगी। इसके अलावा आपकी लेटेस्ट फॉर्म 16 की कॉपी की ज़रूरत होगी और इसके अलावा लास्ट 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट की कॉपी की ज़रूरत होगी। दोस्तों अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हैं या फिर आप प्रोफेशनल हैं तो आपकी लेटेस्ट 2 साल की आईटी रिटर्न की कॉपी और आपकी इनकम कैलकुलेशन की ज़रूरत होगी जो कि सीए के द्वारा सर्टिफाइड लास्ट 2 साल की P&L स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैपिटल अकाउंट स्टेटमेंट की कॉपी की ज़रूरत होगी। दोस्तों आपकी लास्ट आपकी लेटेस्ट 2 साल की ऑडिट रिपोर्ट की ज़रूरत होगी अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हैं तो। दोस्तों पार्टनरशिप फॉर्म्स के लिए पार्टनरशिप डीड की कॉपी की ज़रूरत होगी। सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन के लिए टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा की होनी चाहिए और सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स के लिए ग्रॉस रिसिप्ट 25 लाख रुपए से ज़्यादा की होनी चाहिए। दोस्तों इसके लिए आपके लेटेस्ट 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट की कॉपी की ज़रूरत होगी। दोस्तों अगर प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म्स अगर स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से होम लोन प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा यानी कि सीए के द्वारा वेरीफाइड शेयर होल्डिंग पैटर्न और या फिर मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की ज़रूरत होगी। दोस्तों इसके अलावा कंपनी में कौन कौन से लिस्टेड डायरेक्टर्स हैं इसकी लिस्ट की ज़रूरत होगी। दोस्तों इसके अलावा आपकी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। दोस्तों प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स में आपकी एग्जिस्टिंग होम लोन फैसिलिटी डिटेल्स की ज़रूरत होगी। इसके अलावा आपके अप्रूवल लेटर की ज़रूरत होगी, ओरिजिनल लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स यानी कि प्रॉपर्टी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। इसके अलावा आपने कौन कौन से दूसरे बैंकों से होम लोन ले रखा है या फिर कोई दूसरा लोन ले रखा है उसके डिक्लेरेशन की कॉपी की ज़रूरत होगी। दोस्तों अगर आप बैंक की सभी शर्तों को पूरा करते हैं तो आप इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की प्रोसेस के बारे में मैं आप लोगों को अब बता देता हूं। दोस्तों बात करें स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से होम लोन के लिए आप ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो दोस्तों ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट के होम पेज पर मॉर्गेजेस का ऑप्शन दिखाई देगा, आप इस पर क्लिक करें। दोस्तों अगले पेज पर आपके सामने होम लोन से जुड़ी हुई सारी जानकारी सामने आ जाएगी, आपको ये जानकारी सही से ही पढ़ लेनी है। अप्लाई करने के लिए आपको इसी पेज पर अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिखाई देगा, इस बटन पर आप क्लिक करें। दोस्तों अगले पेज पर आपके सामने एक फॉर्म ओपन होगा, इस फॉर्म में मांगी गई जानकारी आप इंटर करें और फॉर्म को सबमिट कर दें। दोस्तों फॉर्म सबमिट करने के बाद बैंक आपसे कॉन्टैक्ट करेगा और लोन की प्रोसेस को आगे जारी किया जाएगा। दोस्तों बात करें स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से होम लोन के लिए ऑफलाइन कैसे अप्लाई करें, तो दोस्तों ऑफलाइन अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले अपने नज़दीकी स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की ब्रांच में जाना होगा। दोस्तों बैंक की ब्रांच में जाकर बैंक के एम्प्लॉई से आपको कॉन्टैक्ट करना होगा। दोस्तों बैंक के एम्प्लॉई आपको होम लोन से जुड़ी हुई सारी जानकारी प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे, फिर आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, इस फॉर्म को आपको भरना है। दोस्तों फॉर्म के साथ डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करके इसे बैंक में सबमिट करना है, उसके बाद लोन की प्रोसेस को आगे जारी किया जाएगा। दोस्तों अगर आप इस होम लोन की सभी शर्तों को पूरा करते हैं तो लोन की राशि आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। दोस्तों बात करें स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक होम लोन के तहत ली जाने वाली फ़ीस और चार्जेस की, तो दोस्तों यहां पर प्रोसेसिंग फ़ीस एक्सेप्टेड लोन की अमाउंट का 1% तक है। प्रीपेमेंट चार्जेस की बात करें तो फ्लोटिंग रेट वाले लोन्स पर 0 प्रीपेमेंट चार्जेस है। और दोस्तों लोन की अन्य कैटेगरीज़ के लिए अगर आप होम सेवर लोन के अंतर्गत आपने लोन ले रखा है तो दोस्तों यहां पर एक कैलेंडर ईयर में अगर आप बकाया मूलधन के 25% से कम का अगर आप पार्सल प्रीपेमेंट करते हैं तो यहाँ पर 0 प्रीपेमेंट चार्जेस लिया जाएगा। और अगर आप एक कैलेंडर ईयर में बकाया मूलधन का
25% से अधिक का पार्शियल प्रीपेमेंट करते हैं तो पे की जा रही अमाउंट का 2.5% प्रीपेमेंट फीस के तहत लिया जाएगा। दोस्तों अगर आप प्रॉपर्टी लोन के अंतर्गत आप लोन लेते हैं तो एक कैलेंडर ईयर में अगर आप बकाया मूलधन का 25% से कम का अगर आप पार्शियल प्रीपेमेंट करते हैं तो 0 प्रीपेमेंट चार्जेज लिया जाएगा, और अगर आप एक कैलेंडर ईयर में बकाया मूलधन का 25% से अधिक का अगर आप पार्शियल प्रीपेमेंट करते हैं तो प्रीपेमेंट की जा रही अमाउंट का 4% प्रीपेमेंट फीस लिया जाएगा। दोस्तों बात करें स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक होम लोन के तहत ली जाने वाली प्री क्लोजर फीस की, तो दोस्तों यहां पर फ्लोटिंग रेट लोन पर फोर क्लोजर फीस 0 है, और होम सेवर लोन के लिए मूल बकाया का 2.5% प्री क्लोजर फी लिया जाता है, और प्रॉपर्टी लोन के मामले में मूल बकाया का 4% प्री क्लोजर फीस लिया जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से होम लोन कैसे लें, और इसके बारे में मैंने आप लोगों को आज के इस वीडियो में डिटेल से बताया है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।